हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है कि तंबाकू को, यानी कि जो हम लोग तंबाकू या तंबाकू से बने पदार्थ का यूज करते हैं सेवन, तो उससे क्या, यानी कि कह सकते हैं कि मानव शरीर, या कह सकते हैं कि जो सेवन तो करते हैं उनके ऊपर तो प्रभाव आपको पता होगा, देखते भी होंगे, लेकिन जो लोग यानी कि यूज नहीं करते, यानी कि जो सेवन नहीं करते लेकिन आसपास उनके रहते हैं उनके ऊपर सबसे अधिक इसका इफेक्ट होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि तंबाकू कह सकते हैं कि तंबाकू से कैंसर या उससे क्या क्या हानियां होती हैं, जिससे यानी कह सकते हैं कि मानव जीवन जो कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही, यानी कि कहने का मतलब ये होता है ना कि दूषित हो चुका है एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो आपका कह सकते हैं तंबाकू कौन से देशों में सबसे अधिक, इसके कारण से तंबाकू के सेवन से किस, यानी कि कह सकते हैं कि देश में सबसे अधिक, यानी कह सकते हैं बीमारियां हो रही हैं। और अभी हाल ही में ताजा सर्वे आया है कि लगभग यानी कि एक वर्ष में पूरे विश्व में 70 लाख लोगों की मौतें किससे होती हैं, यानी कि सिर्फ तंबाकू के सेवन से होती हैं। तो मैं इस टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल बात करूंगा कि कैसे होता है, इसको रोक कैसे सकते हैं, कहाँ पे हम गलती करते हैं, शुरुआत में गलती करते हैं, यहाँ तक कि हम ये कहते हैं यार हम तो थोड़ी ना इसका सेवन कर रहा, हमारा वाला बगल वाला कर रहा है तो करने दीजिए, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उससे ज़्यादा हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, यानी कि पहला आपके, यानी कि कह सकते हैं स्क्रीन पर दिया है, मेक एवरी डे वर्ल्ड नो टबैको डे, यानी कि आप प्रत्येक दिन ये मनाइए कि यानी कि आज भी, यानी कह सकते हैं कि आज ही हम तंबाकू को रोकेंगे। ये नहीं कि जिस दिन आज जैसे 31 मई है तो आज है बस, आज कहेंगे भैया आज मत पियो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। हमको डेली इस पर सुधार करना होगा, प्रतिदिन इसके बारे में सोचना होगा कि किस तरह से हम यानी कि तंबाकू जो यानी कह सकते हैं कि बीमारी या कैंसर हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड नो टबैको डे, यानी कह सकते हैं 31 मई, प्रत्येक वर्ष को ये मनाया जाता है। अब आगे शुरू करते हैं कि अगर सेहत से प्यार है तो तंबाकू और इससे बने उत्पादों से दूर रहना ही बेहतर होगा। यानी कि कहा गया है कि अगर सेहत से प्यार है, यानी कि अपने शरीर से प्यार है, अपनों लोगों से प्यार है, तो क्या करें, तंबाकू से और तंबाकू से बने पदार्थ से हमको क्या होना चाहिए कि दूर रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत किसके कारण होती है? सिर्फ धूम्रपान के कारण होती है। कोई यानी कि सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सुरती खाता है, या इस तरह से समझ सकते हैं कि जो यानी कि कह सकते हैं विषैली चीज़ें होती हैं उसका सेवन जरूर करता है। अब आते हैं कि इसका इफेक्ट सबसे अधिक किस पे पड़ता है, किन देशों में है, तो इसमें सबसे अधिक आपका भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश आदि देशों में सबसे अधिक इसके यानी कि कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यानी समस्याएं पाई गई हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो महाद्वीप, यानी कि जो हमारा महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है, इसका ये कारण है कि लोग गरीबी से यानी कि त्रस्त हैं, जिसके कारण से उनको कोई ना कोई यानी कह सकते हैं कि अपने मन को बहलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ यानी कह सकते हैं कि सेवन करना पड़ता है, चाहे वो यानी कह सकते हैं सिगरेट हो या बीड़ी हो, यानी कि सस्ती से सस्ती चीज़ें वो जरूर पीना चाहते हैं कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि तंबाकू रूप में क्या क्या हो सकता है, जैसे तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, इसके खिलाफ यानी कह सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि कितने होता। अब आते हैं कि इससे क्या यानी कह सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कैंसर होता है, लोग आप सुनते भी होंगे कि इससे तंबाकू से कैंसर होता, तो कैंसर क्या होता है ये समझते हैं और कैंसर कैसे होता है। देखिए कैंसर की मैं बात करूँ तो सहज शब्दों में कहें तो कैंसर शरीर में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि का एक समूह है। कैंसर शरीर के अंग विशेष व अन्य भागों में भी फैल सकता है। अगर शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोई गांठ हो तो वह कैंसर हो सकती है। वहीं जो गांठ तेजी से नहीं बढ़ती उसमें कैंसर होने की आशंका कम होती है। मस्तिष्क में तेजी से बढ़ने वाली गांठें ट्यूमर कहलाती है। ध्यान दें कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में यानी कि जो गांठें बढ़ती हैं, अगर वो बढ़ रही हैं यानी कि शुरू से ही बढ़ती आ रही हैं, तो यानी कि इस पर सीधा इफेक्ट होता है। अगर ये नहीं बढ़ती हैं तो समझ सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग है इसके ऊपर सीधा इसका इफेक्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यानी कि कह सकते हैं कि आपके मानव जीवन, यानी कि आपने सुना होगा कि ट्यूमर हो गया, एंड ट्यूमर आपके कहाँ पर होता है, दिमाग में ही होता है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये सुधार करना होगा कि कहाँ से आपको यानी किस स्टेज से आपको ध्यान देना होगा कि कैंसर के यानी कह सकते हैं कि जो तंबाकू से बीमारियां हो रही हैं किस स्टेज पे ही ध्यान देना होता है, तो प्री कैंसर स्टेज पर ध्यान दें, यानी कि मुख्य कैंसर की चिंता प्री कैंसर स्टेज यानी कैंसर शुरू होने से पहले ही अवस्था ही करनी चाहिए। यदि अव्यक्ति विशेष का मुख दांतों के बीच 4 सेंटीमीटर से कम खुला रहे, यानी कि रहने वाला होता ना कि जैसे हम अपने चारों उंगलियों को अंदर यानी कि मुंह के अंदर इस तरह से खड़ा करके डालते हैं, अगर पूरी तरह से चल जाए तो यानी कि वह आदमी स्वस्थ रूप में एक तरह से कार्य करता है, लेकिन अगर 2 अंगुली 3 अंगुली ही जा सकता है तो समझ लिए उसको आने वाले समय में यानी कि 2 से 4 सालों में उसके यानी कि इसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, यानी आगे चलकर उसको कैंसर होने की संभावना एकदम 100% हो सकती है। तो कह सकते हैं तो करना क्या होगा इसके लिए, उसको तुरंत यानी कि चेकअप कराना होगा। अब आते हैं कि इसका क्या इलाज है। इलाज के लिए अगर बात किया जाए तो मुख्य कैंसर के उपचार में विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी और सर्जरी सामान्य उपचार पद्धति है। इन तीनों विधतियों में आधुनिक तकनीकियों से क्रांतिकारी बदलाव किया और उपचार को कुछ हद तक कम से कम तकलीफ वाला बना दिया है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि कम से कम यानी दिनों में आप आसानी से इसके सुधार कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा वही है ना कि डॉक्टर मना करे फिर भी हम यानी कि पीते रहते हैं, तो वही समझ सकते हैं। आगे हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसके लिए
अब आगे है अन्य विकल्प। इसके अगर मतलब कह सकते हैं इसके अलावा अगर हम किसी और चीज़ से सुधार करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के समन्वित प्रयोग से बढ़ी हुई गंभीर अवस्था वाले रोगी भी अब ठीक हो रहे हैं। IMRT और ब्रेकेथेरेपी की नए रेडिएशन तकनीकी ने तमाम कैंसर रोगियों को पूर्ण स्वस्थ यानी कि कह सकते हैं कि कर दिया है। अब आते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि ट्यूमर या कह सकते हैं कि इस तरह से कैंसर जो हमारे दिमाग में होता है, अब आते हैं कि जो फेफड़ों में इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप समझ सकते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर एक आया होगा यानी कि इमेज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक सिगरेट यानी कि जिसका धुआं निकल रहा है और यहाँ पे एक बच्चा है, तो यानी कह सकते हैं कि सबसे अधिक नवजात शिशुओं पर इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर वो धुएं को सूंघते हैं तो पीने यानी कि जो व्यक्ति पीता है उससे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, यानी कि नवजात शिशुओं के ऊपर होता है, तो इस तरह से कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं उसी घर में वहीं पर पीते हैं जहाँ पे बच्चे या छोटे बच्चे या कह सकते हैं कि जहाँ पे यानी कह सकते हैं कि जो स्त्रियाँ होती हैं यानी कि होता ना कि उनके घर में बच्चा पला, फिर भी हम उन्हीं के आसपास यानी कि धूम्रपान का सेवन जरूर करते हैं तो कह सकते हैं। अब आते हैं कि फेफड़े पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तंबाकू उत्पादों का शरीर के बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण धूम्रपान ही है। तंबाकू के धुएं में निकोटीन वह कार्बन मोनोऑक्साइड आदि नुकसानदेह गैस मौजूद होते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा यानी कि क्या होता है कि जो तंबाकू होता है उसके जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है निकोटीन। आप पता होगा कि निकोटीन के कारण कह सकते हैं कि कैंसर आपके होता है। और इसमें सबसे विषैली गैस कौन होती है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कह सकते हैं कि ये सबसे खतरनाक होती है जो यानी कि मानव के सीधे यानी कि जो यानी कि फेफड़ा होता है उस पर इफेक्ट करती हैं कह सकते हैं। इससे होता क्या है, इस कारण हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। फेफड़े हमें सांस लेने में सहायता करते हैं, वे शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जब यानी कि ये जब हमारा ये कह सकते हैं कि जो धुआं होता है यानी कि चाहे सिगरेट का हो या कह सकते हैं बीड़ी का हो, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है यानी कि जो ऑक्सीजन आता है वो शुद्ध रूप से ऑक्सीजन नहीं आके वो यानी कह सकते हैं कि एक तरह से खतरनाक गैसें बन जाती हैं, तो आपको समझना होगा। और जिससे जब ये खतरनाक बनेंगी तो जो यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो गाढ़ा होगा और उसका जो सर्कुलेशन यानी कि पूरे शरीर में कह सकते हैं कि संचरण होता है वो नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे आने वाले शरीर में खून की कमी हो जाएगी। और जब खून की कमी होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अब आते हैं कि कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो कहने का मतलब है कि फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण होता है तंबाकू उत्पादों का सेवन करना, यानी कि जो तंबाकू से बने जो पदार्थ होते हैं, चाहे हम गुटखा खाते हैं या बीड़ी के कह सकते हैं सेवन करते हैं या सिगरेट पीते हैं, इससे जो भी चीज़ें बनती हैं उसका हम सेवन करते हैं तो क्या होता है सीधे फेफड़े पर असर होता है। बीड़ी सिगरेट पीना यानी कि फेफड़े के कैंसर के सबसे मुख्य कारण है। धूम्रपान करने वाले में फेफड़े के कैंसर का खतरा धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट आप समझिए, यानी कि कहने मतलब जो व्यक्ति पीता है उसको कम खतरा, लेकिन जो उसके आसपास रहता है, समझ सकते हैं जैसे आप रूम में मालिक पी रहे हैं, आपके बगल में आपको कोई लड़का या कोई भी छोटा बच्चा बैठा है तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आप तो आदि हो चुके हैं उसको पीते पीते, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज ही से यानी कह सकते हैं चाहे आपके आसपास चाहे आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो यानी कि उसका ध्यान जरूर रखिएगा। यानी कि कहने मतलब आपको पीना आप पीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके आसपास हो उसको यानी कि कह सकते हैं कि दूषित मत करिए यानी उसके जीवन को बर्बाद मत करिए, यानी कि सीधे कहा 10 गुना इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट है वायु प्रदूषण के संपर्क में, यानी कि अगर कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे इफेक्ट का है, भाई जब आप यानी कि जहाँ पे बैठते हैं यानी कि पी रहे हैं तो वायु प्रदूषण तो होगा ही, जिससे यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पे सांस ले रहा उसके ऊपर यानी कह सकते हैं कि सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है। तो आगे यानी कि आपको इमेज आप देख सकते हैं। तीसरा कि कुछ विशेष धातुओं के संपर्क में आने जैसे क्रोमियम कैडमियम और आर्सेनिक, ये भी धातु यानी कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, और वंशानुगत जीन संरचना, यानी कहने मतलब ये भी इफेक्ट पड़ता है कि यानी कि जो कैंसर होता है ये क्या होता है वंशागुण, यानी किसी के आपके माता पिता को हुआ है तो आपको भी होने के 90% चांसेस होते हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि अगर आपको आज हुआ है तो आने वाले आपके बच्चे को भी यानी कि कैसे इस तरह से धूम्रपान से समस्याएं हो सकती हैं। अब आते हैं कि हम रोकथाम कैसे करेंगे। अब रोकथाम तो हमको भाई सीधे हम तो शुरू कर दिए, अब हमको रोकथाम कैसे करना। फेफड़े के कैंसर का बचाव प्रमुख रूप से धूम्रपान छोड़ने के से संभव, यानी कि अगर आपको ऐसा होता है आपको लगता है कि यार हमारे यानी कि आपको हमारे शरीर में इफेक्ट आ रहा है तो आपको क्या करिए धूम्रपान छोड़ दिए, इसके सबसे बड़ा यही इलाज है कि आपको धूम्रपान छोड़ दे, कम नहीं करिए सीधे सीधे छोड़ दिए, इस तरह से कह सकते हैं। धूम्रपान बंद करने से लगभग 15 वर्ष बाद मरीज के फेफड़े में हुए धूम्रपान से संबंधित दुष्प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, यानी कि अगर आज आप छोड़ते हैं तो 15 साल के बाद आपको अगर कैंसर होने वाला था वो भी यानी कि नहीं होगा और आपका आसपास जो वातावरण होगा वो भी यानी कि एक तरह से सुरक्षित होगा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि कह सकते हैं कि इससे दिल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप समझ सकते हैं। दिल पर सबसे बड़ा ये प्रभाव पड़ता है कि आदमी जो होता है हार्ट अटैक आने का होता है ना कि अचानक उसकी मौत हो जाती है, तो हार्ट अटैक भी आने के सबसे बड़ी चांसेस इसके यानी कि 90% इससे चांसेस होते हैं। अब तीसरा ये पॉइंट आप समझिएगा यानी कि पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक। पैसिव का मतलब क्या होगा, देखिए दो लोग होते हैं, एक होता है एक्टिव होता है एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब वो होता है जो व्यक्ति यानी कि धूम्रपान करता है यानी कि तंबाकू से बनी वस्तुओं का सेवन करता है, वो आपका एक्टिव होता है यानी कि जो उसको बीमारी होगी वो एक्टिव होगी।
लेकिन जो होता है, जो व्यक्ति कभी सेवन नहीं किया है लेकिन उसके आसपास यानी कि लोग सेवन कर रहे हैं या इस तरह से वातावरण है कह सकते हैं, और जिसको वो मना भी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को जब कैंसर या इस तरह से बीमारियां होती हैं यानी कि धूम्रपान से कह सकते हैं, तब उसको पैसिव यानी कि कहा जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुद धूम्रपान नहीं करते लेकिन वे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास खड़े रहते हैं। जब धूम्रपान करने वाला धुआं छोड़ता है तो वह पास में खड़े व्यक्ति न के चाहने के बावजूद भी वह धुआं उसकी नाक और सांस नली के जरिए उसके फेफड़े में चला जाता है, यही पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। तो इसको भी आपको रोकना, जैसे आपने देखा होगा कि किसी गाड़ी से यात्रा करते हैं, आपके बगल व्यक्ति पीता रहता है लेकिन आप मना नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि भाई आपका वो तो है ना, तो आपका पड़ोसी है ना, आपका कोई रिश्तेदार है ना, आपका माता पिता है इस तरह से, लेकिन कहते हैं यार पीने दो क्या होने वाला है, तो वो भी मना करता है कि चलो क्या दिक्कत है। तो इस तरह समझ सकते हैं ये समस्याएं आ रही हैं कह सकते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये था हमारा कह सकते हैं कि आज का यानी कि इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी कि वर्ल्ड टैबैको डे आज आपका है, यानी कि किस तरह से हम तंबाकू से बने पदार्थ और उसके जो यानी कि दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसको कैसा रोका जा सकता है। तो अगर आपके आसपास आपके माता पिता, अगर इस तरह से आपके भाई भी अगर इस तरह से यानी कि कह सकते हैं इसका सेवन करते हैं, तो आप उनको मना करिए, उनको इस वीडियो को जरूर दिखाइए, इन वीडियो को जो क्लिक है कह सकते हैं उसको उनको सुनाइए, जिससे उनके पता चल सके यानी कि इससे क्या प्रभाव, और इनसे देखे यानी कि आपके ऊपर जो पीता है उसको कम प्रभाव, लेकिन उसके यानी कि कह सकते हैं कि जो आसपास रहते हैं उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो सिर्फ ये दिन यानी 31 मई सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिन हमको रोज यानी कि याद होने चाहिए कि हम कहीं भी बाहर निकलते हैं तो अगर हमारा यानी कह सकते हैं कि वातावरण सही नहीं रहता है तो हमारी यानी कि कह सकते हैं तबीयत यानी कि खराब हो जाती है। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इसी तरह से केएलडी क्लास में बने रहिए, केएलडी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को केएलडी